जी इधर जो फर्स्ट पहले फिल्म में होता है ना जी, इधर भी स्टार यस रितेश पांडे जी को उधर लेके गया तो भी उधर नया स्टार है होता। एक फिल्म जरूर है करने का, वो फिल्म हिट बन गया, सुपरस्टार बन गया। वहाँ हीरो इधर आया, इधर हीरो उधर गया, सेम चीज है। लेकिन टेक्निकली ये पॉसिबल नहीं है क्या? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपकी बात। है टेक्निकल पॉसिबल है, सब लोग कहाँ से आ गया, अब लोग करने वाले भी हैं। अभी तेलुगु में इनको लेके करने को मैं प्लान कर रहा हूँ। यस ये स्टोरी है, ये अलग अलग नाउ दिस इज समथिंग न्यू दैट आई गॉट फ्रॉम यू। ये एक्चुअली क्या है ना, तेलुगु थोड़ा 10 साल आगे है, ये अच्छा भोजपुरी 10 साल पीछे है, ये टेस्ट वजह से। अच्छा वो लोग अभी देखो इधर यूट्यूब है, आप लोग अभी इंटरव्यू लेके जाकर डाल रहा, इस व्यूवर्स कितना बढ़ेगा मामूल नहीं बोल सकता जी। बट उधर क्या है ना, तेलुगु फिल्म देखने वाला ये नहीं देखते, इंग्लिश मूवीज देखते, इसके लिए उधर यूट्यूब में इतना व्यूवर्स नहीं है, यही कारण है। तेलुगु उधर नॉलेज ज्यादा हो गया, आगे बढ़ गया, हम लोग अभी आगे बढ़ रहे हैं भोजपुरी। हम लोग भोजपुरी को लेके बहुत आगे आ गए, हमारा जो पब्लिक है, जो हमारी जनता है, उसका टेस्ट कुछ जैसे हम लोग उधर इडली वड़ा चलता है, हम लोग क्या लिट्टी चोखा चलता है, तो वही बात है, थोड़ा थोड़ा टेस्ट का मतलब। तो आपने कुछ तेलुगु फिल्म, आप इन्होंने कहा कि प्लान कर रहे हैं, तो आपने कुछ तेलुगु सीखनी शुरू की कि नहीं? हाँ हमने सीखा ना। क्या सीखा बताइए? आई लव यू जरा बोल के दिखाइए तेलुगु में आपको जो आता है वही बोलते हैं। वहाँ पे थोड़ा सा दाएं थोड़ा सा बाएं को बोलते हैं, कुंचुम लेफ्ट कुंचुम राइट, ये तो। और किसी चीज को अगर हम लोग जी बोलते हैं, जैसे आनंद जी, हाँ तो इसको बोलते हैं आनंद गारू। आनंद जी इधर आइए, तो उसको बोलेंगे आनंद गारू पिलवंडी। आज जैसे बोलना पड़ेगा की आनंद जी जल्दी आइए, जल्दी आइए, जल्दी आइए, तो उसको बोलेंगे आनंद जी रेंडी 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 रेंडी। भोजपुरी में नहीं तो आ सकती है, क्यों नहीं आएंगे? जरूर आ सकते, तो आप ही कर सकते हैं। उधर जा सकते हैं, उधर हीरोइन इधर आएंगे, बट उधर हीरोइन वो सक्सेस हो गई ना, कब आप चाहते क्या? भोजपुर में इतने पैसे नहीं मिलेंगे, इधर का उधर उधर का इधर। मैं चाहता हूँ दोनों इंडस्ट्री साथ साथ ग्रो करे, मैं तो ये चाहता हूँ। नहीं एक ही है टेस्ट, भोजपुरी का तेलुगु का एक ही टेस्ट है, कहानी हो जाओ, बात हो जाओ, टेक्निकल हो जाओ, सब एक ही है। आज क्या है ना, देखो तेलुगु फिल्म डब करके सोनीमैक्स स्टार गोल्ड सब जगह प्ले हो रहा, सब लोग पसंद कर रहा है। इसके लिए आज भोजपुरी कम है नहीं बोल रहा, अभी बोला मैं 10 साल वो आगे है, 10 साल पीछे नहीं है, अभी 20 साल आगे बढ़ेगा, तेलुगु से ज्यादा बढ़ेगा भोजपुरी, ये 100% है। सुबह भोजपुरी में अभी कितने फिल्म रिलीज हुई है? भोजपुरी में अब तक मैं 12 फिल्म रिलीज किया, नाम बताना वो कैसे क्या की, तो सरकार हो गई, शिवा आखिरी रास्ता, निर्भमी, दिलेर, जिगरवाला, हीरो, टाइगर, विलन प्रेम कहानी, सुनो ससुर जी, सब ये फिल्म्स रिलीज हो गया। अभी काशी विश्वनाथ तैयार है रिलीज के लिए। सुब्बा जी रितेश पांडे जी को गाना याद है आपको? मतलब काशी विश्वनाथ में सब गाना यही गाना आपको याद है जो सबसे फेवरेट जो बड़ा आपको अच्छा लगा हो गाना इनका गाया? मेरे को ये गाया गाना सब अच्छा लगा जी, इसके लिए इनके गाओ उनको, हम जब भी वही बोला सब गाना इनसे गवा दो। सर आपने कुछ भोजपुरी सीखी? इन्होंने तो तेलुगु सीख लिया, आपने कुछ भोजपुरी सीख ली? भोजपुरी क्या है ना नहीं हो पा रहा मेरे को, इसमें एक्टिंग भी किया ये सब लोग। ये बात है कि हम लोग काशी विश्वनाथ में एक्टिंग भी किया है साथ में। अरे वाह, फर्स्ट टाइम भोजपुर में एक्टिंग किया मैं, बट ये प्रेजर करो आपको अच्छा है, आपका लैंग्वेज अच्छा है, अच्छा करो। कोई डायलॉग आपको याद है काशी विश्वनाथ का भोजपुरी वाला? सर वो वाला बोलते हैं वो बिना अनाउंसमेंट फ्लाइट लैंड किया है, सोच रहे क्या तू लोग? बहुत अच्छा सर के साथ काम करके बहुत मजा आया, क्योंकि ये कॉमेडी करेंगे। मैं दूसरा चीज के लिए बताते पिक्चर में कोहनीर जानते बोले तो मालूम है भाई कंडोम है ना, अरे कंडोम नहीं रहा पिक्चर में, सब कॉमेडी है, काश भी सुना कॉमेडी एंड एक्शन। होली
आ रही है रितेश जी, होली के बारे में क्या इस बार रितेश पांडे होली का